आप लोगों को स्पीड दिखाओ यार, ये देखो 105 शो यू। सो वेलकम बैक गाइस ऑन माय न्यू वीडियो। और आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। सबसे पहले आप सभी लोगों को जो है गुड मॉर्निंग। अभी जो है रात के 12:30 बज रहे हैं और आप सोच रहे होगे कि इस वीडियो में ऐसा क्या खास होने वाला है। तो जो वीडियो है एज अ थंबनेल आप लोगों को जो है पता चल ही गया होगा कि वीडियो में क्या खास होने वाला है। आज मैं जो हूँ टूंडला से दिल्ली ट्रैवल करने वाला हूँ और इसमें खास बात यह है कि मैं जो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ वो इंजन में करूँगा, जो इंडियन रेलवेज़ का इंजन है उसमें ट्रैवल कर रहा हूँ। तो भाइयों जो है ना वीडियो बहुत टाइम बाद डाल रहा हूँ यार, एक्चुअली पढ़ाई वगैरह में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और उसके बाद में थोड़ा फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से मैं निकल नहीं पा रहा था बिल्कुल भी घर से। और घर से निकला भी तो दिल्ली में था, इस वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन आज जो मौका मिला मुझे, मैंने कि यार अच्छा यूनिक आइडिया है, तो यूनिक आइडिया की वजह से मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जो है टाइम जो हो रहा है वो 12:30 के करीब हो रहा है और मैं जो हूँ अभी टूंडला रेलवे जंक्शन स्टेशन पे हूँ। और यहाँ से अभी मैं जिस ट्रेन से दिल्ली ट्रैवल करने वाला हूँ ओल्ड दिल्ली, इंजन में ही जाऊँगा। तो आप लोग को इस वीडियो में आगे आगे बने रहिएगा। पूरा का पूरा टूंडला टू दिल्ली जो कुछ भी सफ़र है कैसा रहेगा, इंजन के अंदर सफ़र करना कैसा है, वो सब आप लोग को इस वीडियो में देखने को। तो भाई अभी जो ना मैं अभी देखो आप देख सकते हो टूंडला रेलवे स्टेशन पे हूँ, ठीक है, टूंडला रेलवे स्टेशन पे। और हमारी शायद गाड़ी भी अभी थोड़ी बहुत देर में आने वाली है, वैसे तो टाइम उसका 12:30 का। फाइनली भाई हमारे हम लोग की ट्रेन जो है जिसमें हम जाने वाले हैं वो ट्रेन आ चुकी है। तो फाइनली भाई लोग मैं जो हूँ अभी आ चुका हूँ इंजन में। और इंजन में पीछे वाले जो कैबिन 2 होता है, जो लास्ट पीछे की साइड वाला कैबिन होता है, उस कैबिन में हूँ क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था होते हैं, असिस्टेंट्स एंड जो लर्नर्स रहते हैं उनके साथ में वहाँ पे बहुत भीड़ भी थी। तो अभी जो मैं सेकंड कैबिन में हूँ और अभी जाऊँगा तो आप लोगों को शो भी करूँगा वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे आगे का व्यूज़ दिखाऊँगा। जो मैं हूँ फिलहाल यहाँ पे पीछे वाला व्यूज़ दिखा देता हूँ आप लोग को, देखिए इनसाइड अ कैब इनसाइड अ लोको और दिस इज़ अ केबिन हियर। बहुत मतलब अलग ही यार फीलिंग आती है, स्पेशल की पूरी ट्रेन आपके पीछे है, देखिए है ना, और आप सबसे आगे इंजन में चल रहे हैं। मैं इस वीडियो में ज़्यादा आप लोगों को कुछ डिटेल तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मुझे नहीं पता है रेलवे के क्या नॉर्म्स हैं क्या नहीं, बट मैं एक नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ। सो आप लोग भी इस वीडियो को देखते रहिएगा, आगे का व्यू भी आप लोग को देखने को मिले एंड मैं भी आप लोग को वो भी दिखाऊँगा। फिलहाल तो ये देखिए आप लोगों को कुछ नॉर्मल दिखाता हूँ कि आखिरकार इंजन चलता कैसे। ये जो सीट रहती है ये लोको पायलट के लिए, जो मेन लोको पायलट रहते हैं, ठीक है, ये वाली सीट जो रहती है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए रहती है, सहायक जो रहते हैं उनके साथ में। और भाई यहाँ पे इतना सारा सिस्टम है ना कि बिना पढ़ाई करे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अभी जो ये नॉर्मल स्पीड दिखा रहा है 31 किलोमीटर पर आवर, आई थिंक ये एक्सेलेरोमीटर है, ये जो हैंडल है ये एक्सेलेरोमीटर है, इसी से आगे और पीछे चलती है ट्रेन। दिस इज लाइक मूव इट लाइक आगे तो फॉरवर्ड है और बैकवर्ड है, बट सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिना कीज़ के कोई भी ऑपरेट नहीं होता है। तो मेरे को ज़्यादा सचमुच में इसमें कुछ पता नहीं है, बट मे भी हो सकता है कि इधर कुछ ब्रेक्स वगैरह हों, बट हाँ इतना जरूर पता है कि दिस वन इज़ फॉर हॉर्न। ये जो रहता है ये एक पैंडल कह लो या हैंडल कह लो, ये जो है ये हॉर्न के लिए, क्योंकि मैंने कई बार हॉर्न बजाया है तो ये है। और बाकी का आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी पीछे की साइड में जो मैं अकेला ही हूँ। आगे का आप लोगों को थोड़ा सा अंदर का व्यू दिखाता हूँ कि अंदर कितना मशीनरी टाइप है, यहाँ पे इनसाइड इंजन, और थोड़ा सा आप लोगों को ना बाहर का व्यू भी दिखाऊंगा। लेकिन चलो हाँ ट्रेन जो अभी चल रही है, आई एम गोइंग टू ओपन दिस विंडो। ट्रेन बिहाइंड मी, पता
पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, बट ये जो है ये डिब्बे हैं कोचिस, स्पीड इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। थोड़ा सा रात का समय तो यार ज़्यादा क्लियर दिख नहीं पा रहा, बट हाँ ये ट्रेन चल रही है और आई एम इनसाइड द इंजन, सो कोई फेक नहीं है, रियल ही है। तो यार इसी बात पे ना यार इस वीडियो को एक लाइक फटाफट से ना एक लाइक कर दो, तो अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया ना तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाओ यार, क्योंकि मेरे पास जो है ना जितनी वीडियोज आती हैं जितनी भी बनाता हूँ यूनिक बनाता हूँ यार, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ यूनिक है। आई नो बहुत टाइम बाद डाल रहा हूँ बट बाकी मेरे वीडियो मजा आने वाला है। अरे यार बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे पीछे की साइड में, एक्चुअली गर्मी का मौसम भी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है। चलो आप लोगों ना थोड़ा सा ये देखो यहाँ से ना, हम लोग अभी पीछे की साइड में जाएंगे, बहुत ज़्यादा शोर होता है, इट्स नॉट ईजी। तो मैंने जो है अभी विंडो ऑफ किया, फिर भी ना देख रहे हो आप कितना शोर आ रहा है, बहुत ज़्यादा शोर है, क्योंकि इंजन में जब आप रहते हो ना तो आपको पता चलता है। आप लोगों को स्पीड दिखाओ यार, ये देखो 105 शो यू भाई, मतलब स्पीड देखो यार 110 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो अभी चल रही है इंजन की, ये स्पीडोमीटर है इसका, यू कैन हैव अ लुक, दिस इज अ रियल जेन्युइन स्पीड ऑफ, सॉरी आई फॉरगेट द नेम, नाम भूल गया था मैं गाड़ी का यार, लेकिन और 110 पे अभी चल रही है आप देख सकते हो। चलो आप लोगों ना इसके अंदर का यार ये देखो मशीनरी पार्ट थोड़ा सा दिखाता हूँ, मैं अंदर चलता हूँ, लेकिन बात यह है यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा शोर रहता है क्योंकि मशीनरी जो है वर्किंग में रहती है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को थोड़ा ही सुना पाऊँगा, बट स्टिल ट्राई करते हैं। चलो है ना इधर से चलते हैं, तो भाई लोग अभी अपन आ गए हैं गाज़ियाबाद जंक्शन और गाज़ियाबाद पे आ चुके हैं दिल्ली जाने में बस, तो आपको पता ही है थोड़ा सा रह गया है, तो सुबह के जो हैं अभी 3:30 बज रहे हैं एग्जैक्ट, आप देख लो इज़ द टाइम 3:30 बज रहे हैं, हम लोग गाज़ियाबाद आ गए हैं अभी, गाज़ियाबाद में अभी आधे घंटे में हम लोग जो है ओल्ड दिल्ली पहुँच जाएंगे उसके बाद। तो भाई फाइनली मैं जो हूँ अभी आ चुका हूँ न्यू दिल्ली में अपने रूम पर, और सुबह का टाइम था तो भाई मैं वहाँ पे ज़्यादा वीडियो की फिनिशिंग एक तरीके से जो है वो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोशिश करूँगा कि आप जो है जल्दी से जल्दी जितनी अच्छी हो सके उतनी नई नई वीडियोज़ में लेके आता रहूँ, तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।